तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मोर कूलम्स थ्योरी क्या है, और हमने ये भी देखा था कि फेल्योर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो होती है वो सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के बीच में एक रिलेशन होता है, जो कि सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू सी टेन अल्फा होता है। और ये भी हमने देखा कि जो फेल्योर प्लेन होता है वो एक निश्चित एंगल पर होता है जो कि 45 प्लस 5 बाई 2 होता है। तो हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालने का जो उद्देश्य होता है वो सी और फाई होता है। यदि सॉइल का हमें सी और फाई पता चल जाए, कोहिशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पता चल जाए, तो हम सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। और अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे बियरिंग कैपेसिटी, तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वो कितना लोड बियर कर सकती है ये भी पता लगा सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो इस पे है कि हम किस तरह से शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर को निकालते हैं या सी और फाई वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो कहलाता है, ये पहला टेस्ट जो है, तीन टेस्ट हैं इसमें, तीन चार टेस्ट हैं, वो वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टेस्ट है वो कहलाता है बॉक्स शेयर टेस्ट या डायरेक्ट शेयर टेस्ट। ये सबसे पहला टेस्ट था जो कोशिश की गई थी एक साइंटिफिक अप्रोच से लैब में सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालने की। तो एक इसका एडवांटेज है कि ये टेस्ट बहुत सिंपल है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि क्या इसके डिसएडवांटेज थे हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी ये टेस्ट पॉपुलर है। और इसमें होता क्या है, देखिए ये बेसिकली दो बॉक्स होते हैं जिसको शेयर बॉक्स कहते हैं। तो एक दो बॉक्स होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब इस दोनों बॉक्स के बीच में जो है ये फर्स्ट हाफ है, ये मान लीजिए पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है बॉक्स का, और ये सेकंड हाफ है, ठीक। तो सॉइल का सैंपल जो है इसमें बीच में भरा जाता है, ये सॉइल का सैंपल पहले हम भर देते हैं, ठीक। तो सॉइल का सैंपल हम जिसकी शेयर स्ट्रेंथ निकालनी होती है उस सॉइल का, चाहे रिमोल्ड करके चाहे अनडिस्टर्ब फॉर्म है, इसका सैंपल इसमें भर देते हैं। उसके बाद इसमें दो पोरस डिस्क लगा देते हैं, और पोरस डिस्क से पहले इसमें अगर आप डिटेल सेटअप में जाएंगे तो कुछ प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स को भी कॉरूगेटेड प्लेट्स होती हैं जो इसके बीच में लगा देते हैं ताकि ये स्लिप ना करें, बेसिक आइडिया ये होता है। पोरस डिस्क इसलिए लगाई जाती है कि जो इसके पानी का, जब लोड के कारण जब पानी है वो बाहर निकल जाए। ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं, ये जो होल्स बने हुए हैं, बेसिकली ये कि जब लोड लगे और वो कंसोलिडेशन प्रोसेस हो जिसमें पानी निकलना हो तो यहाँ से भी निकल सके और यहाँ से भी निकल सके। इसके ऊपर एक लोडिंग आर्म होता है, ये एक अटैचमेंट होता है जिसे फिट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। तो नॉर्मल फोर्स हम लगा देते हैं, और उसके बाद इसके हाफ बॉक्स में एक शेयर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, एक फोर्स लगाया जाता है जो शेयर फोर्स होता है। दूसरी तरफ ये एक रिस्ट्रेंट्स बनाई जाती हैं ताकि एक डब्बा जब खिसकने की कोशिश करता है तो कुछ दूसरा उसके साथ साथ खिसकता है। कब तक खिसकेगा साथ साथ? जब तक इस सॉइल में अपनी ये बीच की सॉइल जो पोर्शन है, जब तक इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे जब स्ट्रेंथ इसकी रहेगी तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये डब्बा भी इसके साथ साथ जाएगा। यहाँ पर एक प्रोविंग रिंग होती है, तो जो फोर्स लगाते हैं जितना फोर्स ये रजिस्ट कर लेती है वो रीडिंग दे देती है, ये प्रोविंग रिंग वो रीडिंग दे देती है। जैसे ही इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, आप फोर्स लगाओगे तो ये डब्बा लग चला जाएगा, ये डब्बा लग रह जाएगा। मतलब प्रोविंग रिंग अपनी मैक्सिमम, प्रोविंग रिंग के अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच के रुक जाएगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सैंपल ने इस प्लेन पे कितना मैक्सिमम शेयर फोर्स रजिस्ट किया, ठीक। अब क्या है, आप ये भी निकाल सकते हैं कि ये दूसरा स्ट्रेन गेज जो है, ये स्ट्रेन गेज मैंने लिखा हुआ है, मतलब ये स्ट्रेन नापने के लिए, जब ये फोर्स आप लगाएंगे इसमें तो ये भी खिसकेगा, तो ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ ये भी आप नाप सकते हैं। तो ये जो सेटअप है ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आप शेयर फोर्स भी नाप सकते हैं और उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है या शेयर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये भी आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल फोर्स को हम नाप सकते हैं जितना लोड लगाते हैं वो है। जब इस लोड को लगाते हैं तो क्या होता है, ये डेप्थ में देखिए पिचक जाएगा, डेप्थ में ये नीचे जाएगा नॉर्मल कोर्स में। तो जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेन गेज की रीडिंग चेंज होगी। तो इस स्ट्रेन गेज की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि इसके हाइट में चेंज क्या हुआ। तो बेसिकली हम ये भी निकाल सकते हैं कि हाइट में चेंज क्या हो रहा है इस स्ट्रेन गेज की मदद से, और हम इस स्ट्रेन गेज की मदद से ये भी निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। ये तो हो गए दो डिस्प्लेसमेंट। ये हम नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं, जो फोर्स हम वास्तव में लगा रहे हैं, और ये फोर्स जो शेयर में लगा रहे हैं
ये कितना लगा रहे हैं, मैक्सिमम हम कहाँ तक हमारी प्रोविंग रिंग ले पा रही है, प्रोविंग रिंग में जो मीटर लगा हुआ है वो ले पा रहा है, इससे हम निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम शेयर फोर्स है जिस पे ये सॉइल फेल होती है। ठीक, एक चीज़ और बेसिक है कि जैसे हमने किसी चीज़ को प्रेस किया, जब हम किसी चीज़ को प्रेस करेंगे और फोर्स लगाएंगे, तो क्या अगर ये कम फोर्स लगाए तो ये कम फोर्स लगाने पे ये खिसक जाएगा। अगर हम इसे बहुत कस के प्रेस कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि ये खिसक सके। तो ये जो शेयर फोर्स लग रहा है ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि नॉर्मल फोर्स कितना है। जैसे जैसे आप नॉर्मल फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे शेयर फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करें, अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करें ठीक, तो इस में हम ले लें शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस, और यहाँ ले लें शीयर डिस्प्लेसमेंट, शीयर डिस्प्लेसमेंट। शीयर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कौन नाप रहा है, ये वाला मीटर नाप रहा है कि यहाँ पे कितना खिसका। और शीयर फोर्स क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई जो इसका क्रॉस सेक्शन है, तो इस केस में 51/51 या 102/102। तो जो स्पेसिमेन का साइज है ये 51/51/25 है, 25 डेप्थ है, ये एरिया है, बॉक्स है और स्क्वायर शेप में, और ये 102 है। तो या ये शेप यूज़ होता है या ये यूज़ होता है, जब ग्रेडेशन बड़ा होता है, सॉइल ज़्यादा कोर्स ग्रेन होती है तो ये यूज़ किया जाता है, अन्यथा ये यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमको पता है, इस केस में अगर लेते हैं तो 51/51, तो फोर्स को लें और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें इस बॉक्स का, तो हमें शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी। ठीक, तो शेयर स्ट्रेस ये मिली, तो जितना फोर्स लगा रहे हैं, हर शेयर स्ट्रेस नहीं, जिस अब हम शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, मान लीजिए फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाया, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस आया, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, फिर ये फोर्स बढ़ाते जाएं तो स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी हमको डिस्प्लेसमेंट मिलने लगेगा। तो अगर हम शेयर स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचें तो हमको दो तरीके के ग्राफ मिलते हैं। एक ग्राफ तो यूं जाता है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, एक बहुत वेल डिफाइंड पीक आती है। तो ये जो है ग्राफ डेंस सैंड के लिए होता है, ये ग्राफ किसके लिए होता है, डेंस सैंड, इसको कह ले डेंस सैंड, या हम लोगों ने जब कंसोलिडेशन बताया था तो ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के बारे में भी बताया था, तो या ओवर कंसोलिडेटेड OCC सॉइल, दिस इज ओवर कंसोलिडेशन क्ले। तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले हो या डेंस सैंड हो, उसका ग्राफ टिपिकली इस तरीके से आएगा, किसका, जब हम शेयर स्ट्रेस और शेयर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे। देखिए ये पीक वैल्यू है, ये हमको पीक वैल्यू मिल रही है, तो इस पीक वैल्यू को हम कहते हैं, इस पीक वैल्यू को कहते हैं टाउ एफ। ठीक, अब ये स्पेसिमेन वाला पोर्शन में मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं यहीं आपको समझा सकूँ। टाउ एफ कहलाता है पीक, पीक शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या है, ये शियर स्ट्रेंथ डाउन होती है और डाउन होने के बाद एक जगह पर बाद लगभग कांस्टेंट सी हो जाती है। ठीक है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो ये स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो ये अल्टीमेट, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ मिलती है, इसको कहते हैं अल्टीमेट, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर यही चीज़ मैं लूज सैंड में बनाता हूँ, यही चीज़ मैं इसमें डेंस सैंड की जगह लूज सैंड भरता हूँ, तो ये फिगर आपको इस तरीके से मिलता है, ये फिगर आपको इस तरीके से, ये कहीं अल्टीमेटली जाके मिल जाते हैं। तो ये फिगर है लूज सैंड का। ठीक, अगर लूज सैंड है या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है, सॉइल है, ठीक है, NCC सॉइल है, तो आपको ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, शेयर स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ, और अगर डेंस सैंड है तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमको एक सेटअप पे, अब ये सेटअप हमको कब मिल रहा है, जब नॉर्मल स्ट्रेस एक वैल्यू हमने कांस्टेंट की हुई है। तो हम क्या है, पहले हमने मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको कांस्टेंट कर दिया, अब हमने इसको शेयर करना शुरू किया, अब हमने इसमें फोर्स बढ़ाना शुरू किया, एक ग्राफ हमको ये मिल गया। तो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हमको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, तो एट सिग्मा वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, सिग्मा वन कैसे मिलेगा, हाउ विल गेट सिग्मा वन, सिग्मा वन विल बी इक्वल टू एन अपॉन ए,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो 51/51 है, और जो शियर स्ट्रेस हमको कैसे मिलेगी, दैट इज शियर फोर्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक, तो ये पहला हमने सिग्मा वन लगाया, पहला चीज हमने लगाया, और उसके बाद हमें क्या मिला, एक ग्राफ सेटअप ग्राफ मिल गया। ये चाहे डेंस हैंड हो चाहे लूज हैंड हो, किस तरह का ग्राफ आएगा ये हमने बता दिया। अगर हम सिग्मा वन की वैल्यू चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो हमें दूसरा ग्राफ मिलेगा, चाहे ये डेंस हैंड हो और चाहे लूज हैंड हो। अगर हम तीसरा ग्राफ खींचेंगे तो हमको तीसरा ग्राफ मिलेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारी डेंस हैंड है, तो पहला वैल्यू हमें सिग्मा वन पे, जब हमने सिग्मा वन कॉन्स्टेंट रखा, जब हमने सिग्मा वन को कॉन्स्टेंट रखा, ठीक, पहली वैल्यू सिग्मा वन के लिए, तो सिग्मा वन की हमने पहली वैल्यू मिली। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, फेल्योर पे एक मैक्सिमम पीक स्ट्रेस मिली, तो हमको टाऊ एफ वन की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या किया, इस मिट्टी को हटाया, मिट्टी सिमिलर सैंपल फिर भरा, फिर नॉर्मल फोर्स को बढ़ाया। पहली बार 2 न्यूटन लगाया था, दूसरी बार 4 न्यूटन लगाया। जब 4 न्यूटन लगाएंगे तो सिग्मा दूसरे सेटअप पे, ये फ्रॉम ग्राफ मिल गई, फ्रॉम, ये हमको फ्रॉम ग्राफ मिल गई। ठीक, अब ये फर्स्ट सेटअप हो गया, दिस इज फर्स्ट सेटअप। सेकेंड सेटअप पे हमने क्या किया, फिर इस सैंपल को, दूसरा सैंपल इसमें भरा, नॉर्मल फोर्स को बढ़ाया। नॉर्मल फोर्स को बढ़ाया तो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई, ये सेकेंड रीडिंग हो गई। और उसके बाद ये फिर फोर्स बढ़ाते चले गए, फिर फोर्स बढ़ाते चले गए, अल्टीमेट जो मैक्सिमम फोर्स आया जिस पे ये रिंग का डाया जो डायल है वो रुक गया, उस फोर्स को नोट कर लिया, दैट डिवाइडेड एरिया हमको शेयर स्ट्रेस मिल गई। तो ये फिगर से भी हम निकाल सकते हैं, तो टाऊ एफ टू हमने निकाल लिया। ठीक है, मिनिमम 2 रीडिंग तो हमको चाहिए ही चाहिए, और अगर 3 रीडिंग मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो तीसरी रीडिंग हमने ली सिग्मा वन थ्री और टाऊ एफ थ्री, ये 3 रीडिंग मिल गई। ठीक है, हमको ये 3 रीडिंग मिल गई। तो जैसे ऐसे हमारा वैल्यू बढ़ेगा, अगर सपोज कर लीजिए सिग्मा, अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, ठीक, इफ सिग्मा वन टू इज ग्रेटर देन सिग्मा वन वन, ठीक, तो टाउ एफ टू विल बी ग्रेटर देन टाउ एफ वन। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पीक स्ट्रेस आपकी, पीक शियर स्ट्रेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए रीडिंग हो गई 3, सिग्मा वन टाउ एफ पहली रीडिंग, सिग्मा वन टाउ एफ सेकेंड रीडिंग, सिग्मा वन टाउ एफ थर्ड रीडिंग। तीनों केस में ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो ये तीनों से ज़्यादा है, लिहाजा सबसे ज़्यादा टाउ एफ की वैल्यू थर्ड सैंपल पर मिलेगी, उससे कम सेकेंड पर मिलेगी, उससे कम फर्स्ट पर मिलेगी। अब अगर हम एक ग्राफ खींचें, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब अगर हम एक ग्राफ खींचें, अब अगर हम एक ग्राफ खींचे जिसमें एक तरफ मैं नॉर्मल स्ट्रेस रखूं और दूसरी तरफ शियर स्ट्रेस रखूं, तो पहली वैल्यू क्या हुई हमारी, पहला पॉइंट हुआ ये सिग्मा वन वन कॉमा टाउ एफ वन, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, ये सेकेंड रीडिंग हुई टू टाउ एफ। तीसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे कहीं है सिग्मा वन थ्री टाउ एफ थ्री। ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को मिलते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इन 3 पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दीजिए, तो दिस विल बी योर स्पेसिमेन। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो इन तीनों को जोड़ते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये एंगल फाई है, ये एंगल सी है, तो इस ग्राफ से आप सी भी नाप सकते हैं और फाई भी नाप सकते हैं, तो दोनों इस चीज़ में आप नाप सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये कंडीशंस अगर सिग्मा और टाउ की दी हुई है, ये जरूर ध्यान रखिए कि जैसे जैसे नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाई जाएगी, शेयर स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट मिलेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए आपको, 3 पॉइंट मिलने बहुत अच्छी बात है। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जुड़ा रहा तो बेस्ट फिट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, बेस्ट फिट लाइन जो यहाँ पे काटेगी, ये जो आपका एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, ये कोहेशन कहलाएगा और ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहलाएगा। तो आप सी और फाइव पैरामीटर्स को बॉक्स शियर टेस्ट की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं इस बात पर फिर आऊँ,
थोड़ा सा एक डिस्कशन और कर लेते हैं कि जो शीयर टेस्ट होता है वो दो तरीके से होता है, आइदर स्ट्रेस कंट्रोल्ड और स्ट्रेन कंट्रोल्ड, ठीक है, और स्ट्रेन कंट्रोल्ड। तो दो तरीके से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, या तो आप जो शीयर टेस्ट है, बॉक्स शीयर टेस्ट इज परफॉर्म्ड आइदर कंट्रोलिंग द स्ट्रेस और कंट्रोलिंग द स्ट्रेन। स्ट्रेस कंट्रोल में क्या होता है, जो शीयर स्ट्रेस होती है इसको हम इंक्रीमेंट्स में लगाते हैं, इक्वल इंक्रीमेंट्स में लगाते हैं। तो हमने एक वैल्यू फोर्स लगाई, फिर दूसरी वैल्यू फोर्स लगाई, फिर तीसरी वैल्यू फोर्स लगाई, वो इंक्रीमेंट होती रहती है। और स्ट्रेन कंट्रोल में क्या होता है, जो शीयर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं, हर बार वो सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए स्ट्रेन का, ठीक है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन को हम कंट्रोल करते हैं। तो देखिए जो पहला फिगर है, इस फिगर में देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ी, इस फिगर को समझिएगा, ये स्ट्रेस बढ़ी ये स्ट्रेन मिला, 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 यहाँ तक हमने स्ट्रेस बढ़ा दी, स्ट्रेस के इंक्रीमेंट हम बराबर बराबर बढ़ाते चले गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम स्ट्रेस को बढ़ा नहीं पाएंगे, अब हम इस स्ट्रेस को बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए इस पीक के बाद का जो बिहेवियर है वो स्ट्रेस कंट्रोल्ड सिस्टम में नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेस कंट्रोल्ड अगर सिस्टम होगा आपका तो आप यहीं तक की स्ट्रेस को मेजर कर पाएंगे, इसके बाद की स्ट्रेस को नहीं मेजर कर पाएंगे। लेकिन यदि स्ट्रेन होगा तो देखिए डेल्टा एक्स बढ़ते चले जाइए, देखिए डेल्टा एक्स आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये डेंस सैंड है या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, तो अगर पीक के बाद की हमको वैल्यू देखनी है तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होना चाहिए वो स्ट्रेन कंट्रोल होना चाहिए, ना कि स्ट्रेस कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर लूज सैंड है या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है तो देखिए ये स्ट्रेस बढ़ती चली जा रही पीक तक पहुँच रही है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेस कंट्रोल टेस्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस कंट्रोल टेस्ट हम कर सकते हैं कहाँ पर, जब हमारी लूज सैंड है, ठीक है, लूज सैंड है या हमारी NCC सॉइल है, ठीक। और ये कर सकते हैं हम स्ट्रेन कंट्रोल कहाँ पे, जब हमारी OCC सॉइल है या हमारी डेंस सैंड यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो तरह की कंट्रोलिंग है इस टेस्ट में, या स्ट्रेस कंट्रोल हो सकता है टेस्ट या हमारा स्ट्रेन कंट्रोल हो सकता है। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी कि स्ट्रेस कंट्रोल किस सिचुएशन में होगा, स्ट्रेन कंट्रोल किस सिचुएशन में होगा। एक न्यूमेरिकल जो आपके पूछा जाता है अक्सर, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है आप लोगों को, वो ये बताते हैं कि नॉर्मल फोर्स दे देते हैं, वो कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स आपको दिए हुए, जो आपका ये जो शेयर बॉक्स शेयर था इसमें एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था, एक शेयर फोर्स लग रहा था, यही तो हो रहा था। तो नॉर्मल फोर्स की कई वैल्यू दे देंगे, ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 10, 20, 30, 40 सपोज कर लीजिए दे दिया, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक। अब क्या होगा, जब सॉइल को फेल कराएंगे तो वो जो पीक वैल्यू हमको मिल रही है, ठीक है, इस पीक वैल्यू की भी कई वैल्यूज होंगे, तो या तो कई बार ये स्ट्रेस के फॉर्म में दे देते हैं या फोर्स के फॉर्म में दे देते हैं, जिस पर्टिकुलर फोर्स में ये सॉइल फेल करेगी वो वैल्यू दे देते हैं। तो मान लीजिए ये वैल्यू सपोज कर लीजिए, हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, मान लीजिए 30 है ये, मान लीजिए 35 है, मान लीजिए 40 है, मान लीजिए 45 है, ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर है। तो ये नॉर्मल की वैल्यू है, ये शेयर फोर्स की वैल्यू है, वो शेयर फोर्स जिस पे ये सॉइल फेल हो रही है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, पहले आप स्ट्रेस निकाल लेंगे, तो स्ट्रेस से आप क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ स्पेसिमेन है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन है, उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 10 अपॉन एरिया, 20 अपॉन एरिया, 30 अपॉन एरिया, 40 अपॉन एरिया, तो ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह उसी एरिया से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी, शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये चार आपको रीडिंग मिल गई, 3, 4 और ये चार रीडिंग मिल गई। अब आप क्या करोगे, अब आप एक ग्राफ खींचोगे और उस ग्राफ में आप क्या करोगे, पहला नॉर्मल स्ट्रेस और पहला शेयर स्ट्रेस, ये वैल्यू 1 हो गई, ये दूसरी वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा आएगी, अगर नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो शेयर स्ट्रेस भी बढ़ेगी, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया, जो बेस्ट फिट लाइन है इसको ड्रॉ कर दोगे, जो बेस्ट तरीके से फिट हो सकती है इस पर, ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसका स्लोप निकाल लोगे, ये फाई हो गया, और ये निकाल लोगे ये सी हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो न्यूमेरिकल इसमें सबसे सिंपल होता है, सिर्फ दो चीज़ें हो सकती है, अगर आपको ये शीयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस देंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और अगर ये फोर्स के फॉर्म में दिया है तो सैंपल का एरिया देख लेना, सैम्पलर का जो बॉक्स शीयर उसका एरिया देख लेना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उससे डिवाइड कर देना, तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगी, शीयर स्ट्रेस मिल जाएगी, इसमें ग्राफ ड्रॉ कर देना, और उस ग्राफ की मदद से आपको क्या है सी और फाई पैरामीटर्स दोनों मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और डिस्कस करनी है मेरे को, देखिए इसी बॉक्स शीयर टेस्ट में अगर मैं एक तरफ देखिए, एक हमने ये बनाया था जब फिगर बनाया था ओरिजिनल फिगर, तो यहाँ पे एक लोड लग रहा था, यहाँ पे एक डायल लगा हुआ था जो हाइट चेंज को मेजर कर रहा था, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ले लें दिस इज चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट, ठीक, तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में तो मान लीजिए कंप्रेशन है, ठीक, और इस डायरेक्शन में तो मान लीजिए एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है, ठीक, और ये जो है शीयर डिस्प्लेसमेंट है, शीयर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बता रहे हैं, तो ये तो एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जो आपकी डेंस सैंड है, डेंस सैंड है या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, वो इस तरीके से आती है, ठीक, दिस इज द फिगर फॉर डेंस सैंड एंड दिस इज द फिगर फॉर लूज सैंड, लूज सैंड, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉक्स शीयर टेस्ट करते हैं तो बॉक्स शीयर टेस्ट में यदि हम लूज सैंड लेते हैं, ठीक है, लूज सैंड लेते हैं तो लूज सैंड ले लें या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कह लें, एनसीसी सॉइल ले लें, और डेंस सैंड ले लें या ओसीसी सॉइल ले लें, ठीक, ये ओसीसी सॉइल और एनसीसी सॉइल हम कंसोलिडेशन चैप्टर में बढ़िया ढंग से डिस्कस कर चुके हैं, तो लूज सैंड के केस में या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के केस में क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूसेस या हाइट रिड्यूसेस, ठीक है, हाइट ऑफ स्पेसिमेन रिड्यूसेस, ठीक, विद शीयर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा वो ये डिक्रीज होने की टेंडेंसी रखेगा, हाइट डिक्रीज होने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब कंप्रेशन की टेंडेंसी रहेगी, ठीक है, कंप्रेशन की टेंडेंसी रहेगी, वेयर एज डेंस साइड में, ठीक, डेंस साइड में एक लिमिट तक तो कंप्रेस होगा, और शेयर लगाएंगे तो वॉल्यूम फिर इस डायरेक्शन में बढ़ जाता है, स्वेल कर जाती है सॉइल, ठीक है, तो एक्सपेंशन टेक प्लेस, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, ठीक, तो ये है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि वॉल्यूम इसका कंप्रेशन में ये कम होना शुरू होगा और डेंस एंड में ये इसका एक्सपेंशन होना शुरू होता है, ठीक है, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज एक्सपेंशन, तो देखिए एक सर्टेन लिमिट बाद वो पार्टिकल डिसलोकेट होना शुरू होते हैं और वो वॉल्यूम को इनफैक्ट बढ़ा देते हैं। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ बॉक्स शीयर टेस्ट, अब इस टेस्ट की लिमिटेशन क्या है ये देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ बॉक्स शीयर टेस्ट, इसको भी मिटा देते हैं, लिमिटेशन ऑफ बॉक्स शीयर या डायरेक्ट शीयर टेस्ट, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है, देखिए सबसे पहली लिमिटेशन तो होती है कि देयर इज नो कंट्रोल ऑफ ड्रेनेज, ठीक, हर हालत में पानी उसका बाहर निकल जाना है, ठीक है, तो कंट्रोल ड्रेनेज पे नहीं रहता, ना हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर पाते हैं इस पर्टिकुलर सेटअप पे, ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट
बी मेजर्ड, ये इसका पहला डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे जो भी टेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो आगे जब हम ट्रायक्शल टेस्ट पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कितने तरीके के टेस्ट होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन का ही टेस्ट हो जाता है और ज़्यादातर ये सूटेबल होता है सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है, बॉक्सियर टेस्ट, लेकिन ये क्विक टेस्ट होता है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। दूसरा इसका ड्रॉबैक होता है कि फेल्योर प्लेन इज़ प्री डिटर्मिंड, फेल्योर प्लेन प्लेन इज प्री डिटर्मिंड, प्री डिटर्मिंड। ठीक, प्री डिटर्मिंड मतलब हमने आपको बताया था कि जो फेल्योर होता है, अगर ये हम कोई एलिमेंट ले लें तो ये फेल्योर जो होता है ये अल्फ़ा एंगल पे होता है, अल्फ़ा एंगल मतलब 45 प्लस 5 बाई 2, तो ये हमेशा यहीं पे सॉइल फेल करेगी। लेकिन डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या होता है या बॉक्स शियर टेस्ट में क्या होता है, आपने इसको बांध दिया मिट्टी को कि तुम्हें यहीं से फेल होना, तो इट इज़ ऑलवेज फेलिंग इन दिस डायरेक्शन। तो वास्तव में जो फेल्योर आप करा रहे हो टेस्ट में और वास्तव में जो फील्ड में फेल हो रहा है, इन दोनों में फ़र्क है। तो हमेशा यहीं से सॉइल फेल नहीं करेगी, 1% हो सकता है कि यहाँ से कभी फेल कर जाए, लेकिन नॉर्मली ये 45 प्लस 5 बाई 2 पे फेल करेगी। तो फेल्योर प्लेन इज़ डिफरेंट। बॉक्स शियर टेस्ट में एवरी टाइम यू आर फोर्सिंग द सॉइल टू फेल इन द सेम प्लेन, विच इज़ नॉट द केस इन प्रैक्टिस। तो फेल्योर प्लेन प्री डिटर्मिंड है, जो कि वास्तव में नहीं होता है, ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक जो है इसका, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, शियर स्ट्रेस कह लें तो हम शियर स्ट्रेस में क्या करते हैं, निकालने के लिए शियर फोर्स अपॉन एरिया कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए है क्या, ये सॉइल है, ये दो पार्ट में बटी हुई है। अब जब हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये पोर्शन नीचे खिसक गया, नीचे वाला पोर्शन यहाँ आ गया। ठीक, जब आपने ये फोर्स लगाया तो ये पोर्शन इधर खिसक गया, जब इधर खिसक गया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया और हम क्या कर रहे हैं, हर स्ट्रेस को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, प्रोग्रेसिव फेल्योर हो रहा है, एक एंड से फेल होते होते एरिया कम होता चला जा रहा है, जबकि वास्तव में जो है हम जो स्ट्रेस निकालते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो पूरे एरिया से कर देते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है कि इसमें जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही शेयर स्ट्रेस नहीं निकलती जो हम मान के चलते हैं। तो ये तीन लिमिटेशन है बॉक्स शियर टेस्ट की। तो अगला टेस्ट जो बना वो इन तीन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही बना, और उस टेस्ट का नाम है ट्राई एक्शियल टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है ट्राई एक्शियल टेस्ट। ठीक, ट्राई एक्शियल टेस्ट एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में फिर तीन तरह के टेस्ट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है सी यू टेस्ट, एक दिया है यू यू टेस्ट, एक दिया है सी डी टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप ट्राइएक्सियल टेस्ट की बेसिक्स नहीं समझ जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम ट्राइएक्सियल टेस्ट की बेसिक्स देखेंगे और ये देखेंगे कि सी यू टेस्ट, सी डी टेस्ट और यू यू टेस्ट, ये टेस्ट क्या होते हैं और किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं और किस तरह की सॉइल के लिए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें ट्राइएक्सियल टेस्ट पे होगा। ट्राइएक्सियल टेस्ट की ही एक स्पेशल कंडीशन जो है वो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होती है। तो एक टेस्ट हमको देखना है अगले लेक्चर में, दैट इज़ ट्राइएक्सियल टेस्ट। देखिए बॉक्स शियर टेस्ट हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, थ्योरी पूछी जा सकती है, इसकी लिमिटेशन भी पूछी जा सकती है। दूसरा टेस्ट है ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट। तीसरा टेस्ट है अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ टेस्ट, और चौथा टेस्ट है वेन शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट। ठीक, तो ये टेस्ट में ये हमने देख लिया, ये तीन हमको देखने, ये दोनों आपके कोर्स में हैं। इसको हमें इसलिए समझाना पड़ेगा कि कुछ तरह के टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं, उसके लिए ट्राइएक्सियल टेस्ट की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ टेस्ट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो ट्राइएक्सियल टेस्ट का ही एक स्पेशल कंडीशन है, और वेन शियर टेस्ट जो है ये फील्ड में कंडक्ट किया जाता है। तो ये इकलौता टेस्ट है जो फील्ड में होता है,
तो फील्ड में शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, वो भी इन शेयर टेस्ट से निकालेंगे। लैब में कैसे निकालेंगे, इनसे निकालेंगे। ट्राई एक्सियल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो पानी की हर एक ड्रेनेज कंडीशन को फुलफिल करता है। इसमें आप पानी का पोर प्रेशर निकाल सकते हैं, ड्रेनेज को कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं। तो वास्तव में जैसे क्ले है उसकी शेयर स्ट्रेंथ निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है। तो प्रॉब्ली डिप्लोमा में इसलिए हटा दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कई लैब्स में नहीं होता है इसका, लेकिन मेरे हिसाब से इसका अगर हम थ्योरेटिकल कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको ये पूरी चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो आज बच्चों हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टर्न में हम शेयर स्ट्रेंथ, ये ट्राइएक्सियल टेस्ट देखेंगे और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और वेन शेयर टेस्ट देखेंगे। थैंक यू।